अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हम सब जानते हैं कुछ देर बाद हरियाणा के अंदर चुनाव घोषणा होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। उससे ठीक वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने घर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर INLD और कांग्रेस के अंदर सेंध लगाई आज। और INLD के जो मेन लीडर थे रामपाल माजरा जी, जो MLA भी रहे हैं दो तीन बार और साथ में पूर्व CPS भी हैं, उन्होंने आज विधिवत तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी के विधायक भी रहे हैं चौधरी दूड़ाराम जी जो फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी आज BJP के अंदर अपनी आस्था जताते हुए मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। ये बहुत अहम बात है हरियाणा की राजनीति के अंदर। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्थ प्रकाश TV ने सबसे पहले लाइव की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्यमंत्री ने जो जो बातें की हैं हम आपको इस वीडियो के जरिए सब दिखा रहे हैं। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ चर्चा भी होती है और बीच में अधिकारी लेवल के ऊपर जो जो चीज़ें सॉल्व होती हैं, जो नए इश्यूज आते हैं, उन सब की एक प्रकार से चर्चा होती है, एक रिव्यू मीटिंग होती है। जैसे उसमें एक विवाद का विषय मोरनी क्षेत्र के अंदर हिमाचल का और हरियाणा का वर्षों से एक डिमार्केशन जो बाउंड्री लाइन की वो नहीं थी, तो हमारी एक कमेटी बनी। उस कमेटी में उन लोगों ने प्रत्यक्ष वहाँ जा करके और जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं कि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो जो अनमार्क्ड बाउंड्री लाइन थी वो मार्क्ड बाउंड्री लाइन हो गई है ताकि उस बात को खत्म किया जाए और ये दोनों प्रदेशों को एक्सेप्टेबल है। देखिए, विषय उसमें पानी के बंटवारे का ये शुरू हुआ क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी के सामने भी विषय आया और उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर इतनी बड़ी बैठक में चर्चा होना संभव नहीं है, अपने अपने स्टैंड पर सब कायम है। वो विषय वो अपने ढंग से पहले जैसे रखते थे, हमने जैसे अपने ढंग से रखा कि भाई SOIL के अंदर हमारे जो हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित कर चुका है। अब उसमें तो एक मॉडलिटी है कि SOIL नहर कैसे बने। इस विषय की जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इस विषय के ऊपर एक छोटे ग्रुप में बैठ करके विचार करेंगे और सभी जो संबंधित मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाएंगे। केवल SOIL ही नहीं, राजस्थान के साथ भी पानी के कुछ इश्यूज हैं, दिल्ली के साथ भी पानी का इशू है, इनके BBMB के कुछ इश्यूज थे जो हिमाचल के और राजस्थान के मेंबर्स रखने की बात थी। तो ऐसे जितने इश्यूज हैं हम डिसाइडेड उनका एक छोटे ग्रुप में बैठ करके सबके तक सुन करके एक दो महीने के बाद फिर मीटिंग करेंगे, कोई विस्तार चर्चा नहीं। उन्होंने दोनों बातें कही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब को बड़े भाई के नाते से, क्योंकि अभी पंजाब जो था ग्रेटर पंजाब में हरियाणा भी उसका हिस्सा था, हिमाचल का भी बहुत बड़ा पार्ट उसका हिस्सा था, चंडीगढ़ भी उसका हिस्सा था, तो उनको उसी नाते से ये जो सारे हिस्सेदारी जो बनी है उसको और करना चाहिए। साथ में उन्होंने बाकी प्रांतों को भी कहा कि भी पंजाब को भी किसी प्रकार का ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए कि पंजाब को लगे कि हमारे से जाती हुई, तो आपस में मिल बैठ करके एक राजनीति से ऊपर उठ करके हमको इन बातों पर विचार करना चाहिए और इसमें किसी चीज़ के ऊपर जिद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भावनात्मक विषय भी होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल विषय के ऊपर आधार के ऊपर हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो एक जनरल इस प्रकार का कमेंट था। वैसे तो उन्होंने ये भी कमेंट किया कि आपस में विनम्रता भाव से सब लोग मिल बैठ के करें और अगर आपस में आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं उन्होंने इतना ही कहा, इसका सब अर्थ समझ लिया। देखिए, किसी एक स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता है, इसका सारा अध्ययन पहले भी किया हुआ है और उस अध्ययन करने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मान लो कोई ऐसी परिस्थितियाँ बदली हैं तो बदली परिस्थितियों में तो प्रभावित सब हैं। जैसे यमुना का जब कभी डिस्ट्रीब्यूशन पानी का हुआ था उस समय यमुना में पानी ज़्यादा था, आज हम भी कहते हैं यमुना के अंदर पानी बहुत कम हो गया है, फ्लो उसका कम हुआ है, तो पानी कम फ्लो हुआ तो यमुना के पानी में भी हरियाणा का हिस्सा बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर कहीं होंगी रीओपन, वैसे 2025 में रीओपन की बात लिखी हुई है सब जगह, तो इसलिए जो पहले से है उसको कम से कम 25 तक तो हमको चलाना ही चाहिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुछ होता है एक प्रकार से सब ओपन होता है और पार्टी की अपनी जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है वो सबके सामने है।
कि इस समाज और देश को जो सर्वोपरि मानता है हमारे लिए वो सबसे ऊंचा है। पार्टी की नीतियों में जो जो भी कोई व्यक्ति विश्वास करता है वो सबसे ऊपर है। पार्टी का अपना जो व्यक्ति का अपना जो इतिहास है वो बेदाग होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी आज तो कोई भी किसी के बारे में नहीं बता सकता कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, उनकी कोई इंटरनल खबर होगी और उनको बताएंगे तो फिर उनके साथ मुकाबला भी करेंगे कि उनका कैसा होता और हमारा कैसा होता है। हमारे बहुत कॉर्डियल अच्छे रिलेशन है, लोकसभा में भी उन्होंने सहयोग किया था और हमारी 10 की 10 सीटें जीती थी और आगे भी ये रिलेशन कॉर्डियल बना रहेगा। और निश्चित रूप से इस प्रकार के सारे विषय राष्ट्रीय हमारा दल है तो राष्ट्रीय नेतृत्व वही करता है, इसलिए कोई बातचीत करेगा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करके जैसा पार्टी को निर्देश होगा वैसा करेगा। मैंने बताया ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको, ये हम प्रदेश लेवल पर तय नहीं करेंगे। हमारे रामपाल माजरा दूड़ाराम जी बताएंगे, ये बताएंगे कोई कमिटमेंट हुई है क्या नहीं हुई, दूड़ाराम जी बताइए। वही नहीं हुआ जी, एक कार्यकर्ता के नाते सेवा करेंगे पार्टी में। रामपाल जी आप बताइए। एक चुनाव से हटकर सवाल है, त्योहारी सीजन है, 70 रुपये ब्याज हो गया था, कैसे निपटेंगे? देखिए सीजनल चीज़ें जो होती हैं उसको एक स्थाई कोई बात ऐसी नहीं मानी जाती है। ये जो पेरिशेबल आइटम्स जितनी होती हैं खास करके उसमें सब्जियां, ये कब क्या रेट इसका हो जाता है उसका प्रबंध फिर किया जाता है कि कहीं से मानो बाहर से मंगाना होगा या उसमें कोई हमारे पास कोई किसी जगह पर स्टॉक होगा उसको कई बार स्टॉक आगे रखा जाता है उसको सप्लाई करने की बात आएगी। तो ऐसे विषयों के ऊपर कोई सैद्धांतिक बातें नहीं होती हैं। अगर कोई मान लो इस प्रकार का प्याज का विषय आएगा तो इसका एक निदान निकाला जाएगा। अभी तक जो एसआई को लेकर पंजाब का रुख है उससे आपकी उम्मीद है कि सहयोग करेगा पंजाब इस मुद्दे पर, कोई उम्मीद है क्या? देखिए क्योंकि इस सब जुडिस है मामला, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मानस ये जरूर है कि आपस में बैठ करके कोई इसका रास्ता निकले। लेकिन हमने एक बात कह दी कि आपस में बैठे हैं ना बैठे हैं वो एक अलग विषय है, हमारा पानी का शेयर ही हमको जरूर मिलना चाहिए। अब उस पानी के शेयर में ये हो सकता है कि एसवाइल जब तक नहीं बनती है तब तक मान लो हाँसी बुटाना का है रास्ता वो खुल जाए कुछ उसमें से मिल जाए, बाद में हाँसी बुटाना बनने के बाद फिर हमको मिले। उसमें राजस्थान को भी जैसे पानी की आवश्यकता है, वो कहते हैं भाखड़ा मेन लाइन से हमको पानी मिलना चाहिए। अब भाखड़ा मेन लाइन में अगर उनको पानी देते हैं तो पानी हमारा और कम होगा, इसलिए अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन तो BML ये SYL ही है। SYL बनने के बाद कई समस्याओं का हल हो जाएगा, चाहे उसमें राजस्थान के शेयर की बात है, चाहे हरियाणा का अपना जो बचा हुआ पानी वो मिलने की बात है, इवन दिल्ली का जो पानी है वो भी जो मिलना चाहिए भाखड़ा डैम से वो अभी हम जो हमारा BML से पानी जितना मिलता है वहाँ से तो हम ले नहीं रहे, वो हमको अल्टीमेटली यमुना में से पूरा करना पड़ता है। तो लॉस तो हरियाणा का है उसमें, हमें BML से मिल नहीं रहा, यानी SYL का पानी जब तक नहीं खुलेगा तब तक दिल्ली का शेयर मिलेगा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको दिल्ली को देना ही पड़ेगा, तो हम 300 क्यूसेक दिल्ली को पानी ज़्यादा दे रहे हैं उनकी जो एलोकेशन है यमुना से उसमें से भी। देखिए काम कोई कभी पूरे नहीं होते हैं, काम में लगातार कंटिन्यूएशन के काम होते हैं और एक एक समय के हिसाब से एक एक जो आवश्यकता है समाज की वो पूरा करनी होती है। कभी विषय होता था रोटी कपड़ा मकान, आज रोटी कपड़ा मकान की विषय मकान कुछ लोगों के पास अभी कमी है तो हम पूरा कर रहे हैं। फिर विषय आता था बिजली पानी सड़क, उस पर हमने कपयाक काम किया, बिजली भी अब हम 24 घंटे देने के बाद जो कर रहे हैं 4300 गाँव में आज तक कभी नहीं दी गई थी। सड़कों का जाल पूरा बना है, जो हमारी सड़कें खराब थी रिपेयर योग्य थी वो भी नहीं कराई हैं, उस पर 1000 करोड़ रुपया लगाया है। पानी की जो हमारी समस्या है उसके लिए हम जूझ रहे हैं, अब वो जब तक पानी की उपलब्धता नहीं हो, आज हमें जितनी आवश्यकता पानी की है उससे 40% पानी हमारे पास है,
60% की आवश्यकता और है, लेकिन ये ऐसा विषय नहीं कि जो सरकार कहीं से पैदा कर सकती है। अल्टीमेटली पानी की उपलब्धता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हम डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़रा ठीक कर सकते हैं पूरे प्रदेश में, कम से कम पीने के पानी को सबको जो आवश्यकता वो पूरी हो जाए, तालाबों में पानी पूरा पहुंच जाए, रिचार्जिंग कम ज़्यादा जो प्रावधान है वो कर सके ताकि बरसात का पानी वो ज़मीन में जा सके, लेकिन पानी कहीं से बनाया नहीं जा सकता है। ये तो उपलब्धता जितनी है उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये ठीक कर सकते हैं। अब आगे चीज़ें आती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो अगले 5 साल में जिसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिसको मैंने शी फैक्टर का नाम दिया, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी की अगले 5 साल में रहने वाली है। NRC के संबंध में एक जस्ट विषय मीडिया के एक मित्र ने पूछा था, वो जस्टिस भल्ला चूँकि NRC पर काम कर रहे हैं अभी ने पूछा था वो, तो मैंने सर ने कहा था कि वो जाने वाले हैं आसाम अपने 2 जजेस को लेकर के, उस पर अध्ययन करेंगे, लेकिन NRC सारे देश का एक विषय है। हमारी केंद्र सरकार ने इसको एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम NRC जो हमारे प्रदेश है उसके अंदर लागू करेंगे, उसमें हरियाणा भी आता है, तो हरियाणा में भी जैसे ही देश की योजना बनेगी, अभी तो आसाम में चल रहा है, आसाम में जो लोग ऐसे हैं जिनको शिकायतें हैं उनके लिए टाइम दिया गया 120 दिन के अंदर, वो उसका अपना सर्वे करा करके या डॉक्यूमेंट पेश करके वो NRC के रजिस्टर में आ सकते हैं। तो ये विषय हरियाणा में भी करने, आखिर हर प्रदेश में होना चाहिए, हरियाणा में भी हम करेंगे, और दूसरे देश के किसी नागरिक को बिना परमिशन बिना अनुमति कहीं रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर मानो कुछ लोग की शिकायत है कि हरियाणा में भी ऐसे कुछ लोग आए हुए हैं, कोई 50,000 कहता है, कोई 40,000 कहता है, कोई 1,00,000 कहता है, तो ये तो जब सर्वे होगा तभी पता लगेगा, क्योंकि बाहर के देश के नागरिक का कोई जिम्मेवारी तो होती नहीं है यहाँ। और किसी भी प्रकार की कल को कोई समस्या उठती है, लॉ एंड ऑर्डर की है, बाकी किसी की बात की है, तो उसको चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई नागरिक व्यक्ति यहाँ रह रहा है, वो नागरिक कहाँ का है, उसके हमारे देश के प्रति तो कोई लगाव नहीं है। इसलिए NRC का बहुत आवश्यक पहलू है, ये कोई आज चुनावी मुद्दा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि कानून पहले बना हुआ है, आज का नहीं है, कानून 1954 का है, कांग्रेस की सरकारों को ये करना चाहिए था, 82 में उन्होंने करना शुरू भी किया था, 82-84 में, फिर विषय कोर्ट में चले गए, फिर उसके अंदर कई विवाद पड़ गए, तो कांग्रेस के समय की भी कई बातें जो पेंडिंग छोड़ गए, और किन कारणों से छोड़े तो वो बताएंगे, लेकिन ऐसे जो राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, वो सारे काम हमको करने ही हैं, इसलिए उसको ना करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन उसकी मोडालिटीज कब करना क्या करना ये चुनावी मुद्दा कम से कम नहीं है। इस विषय को कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया और इसमें उनको नुकसान होता है। उन्होंने 370 को या कश्मीर में आतंकवाद को, इनको चुनावी मुद्दा उन्होंने बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, जब बन जाता तो फिर वो आरोप लगाना शुरू करते हैं कि चुनावी मुद्दा बन गया, क्यों बनाते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।